Hi guys. Another banger. Baby, calm down, calm down. Yo, this somebody put in my heart for lockdown. For good morning guys, kaise ho? Namaste. Sasri akal. बड़ों को साथ जैसा छोटों को जैसा प्यार और कुछ कुछ मैंने कांड किया है वो भी बताऊंगी ब्लॉग में। और साफ सफाई अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम है लेकिन धूप इतनी तगड़ी हुई है घर जाने के लिए देखो कोयल की आवाज आ रही है। अभी मैं अपना काम करती हूँ, बहुत गंदगी हो रखी है क्योंकि धूल इतने आ रहा, गर्मी है ना तो धूप से गाड़ियां तो चलती है, घर के सामने ही रोड है तो डस्ट इतने उड़ते हैं कि कुछ हमारे नैन्सी ने कल पोछा लगाया, ट्विंकल ने जब पोछा लगाई थी नैन्सी ने उसको रेस्ट करने गई, मतलब फ्रेश ना गई ना धोली फ्रेश होगी वो सोची कि मम्मी खाना खा के रेस्ट करती हूँ, कल की बात बता रही हूँ आज की नहीं, रेस्ट करने गई ट्विंकल आए मैडम बस मैंने दूध गर्म करके रखा था उसने बस उठाया और वो पूरा दूध गिरा दिया। अब डर के मारे बताया ही उसने जो कपड़े उपड़े थे वो गैस पोछने के वो क्या कहते हैं ओटा ही कहते हैं गैस, हम गैस ओटा कहते हैं गैस, आप बता देना उससे, उसने पूछी ली अच्छे से नहीं पूछी। उसके बाद क्या हुआ गाइस दिखाएंगे अगर दिख सका अगर कैमरे में, तो घर दंगल बन गया है, दंगल दिखाएंगे आपको। तो गाइस नैन्सी गई थी एक्स्ट्रा क्लास लेने ट्विंकल को, ट्विंकल को एक्स्ट्रा क्लास से लेके आई और फिर शूट करने लग गई, मैं काम कर रही थी मुझे देखा उसने तो कहा चलो मम्मी मैं आपका हेल्प कर देती हूँ। और ये थोड़ी बहुत आवाज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि बहुत तेज अचानक हवा चलने लगी है, वेदर चेंज हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना उमस और गर्म हो रहा था कि पूछो मत, अभी थोड़ा मौसम अच्छा लग रहा है, मतलब आज धूप में थोड़ी सी अभी कम हुई है तो मैं ये फटाफट काम कर लेती हूँ। और ये मेरी बेडशीट ही रहती है क्योंकि आपको तो पता ही है हर ब्लॉग में बोल रखा है कि ये जो कॉर्नर जगह है वहाँ मैं लेटती हूँ। और आप लोग सोचते होंगे कि बेडशीट तो कभी कभी बॉडी पे ऐसे ठंडी सी फीलिंग होती है तो मैं डाल लेती हूँ, तो ये रखा है और देखिए पतला वाला भी रखा, वो थोड़ा हैवी में था, जब ऐसा लगे ज़्यादा तो हैवी और नहीं लगे तो थोड़ा, लेकिन बॉडी पे चाहिए। ये सो रहा है यहाँ, सो भी रहा नहीं भी सो रहा, मम्मी को देख रहा है उधर से, है ना बहू, बहू इधर देखो बहू। ऐसे ना क्या बोलते हैं टिश्यू पेपर या फिर ना न्यूज पेपर से ऐसे साफ करना चाहिए टेबल कांच की जितनी, पर पानी डालेंगे तो टिश्यू पेपर नहीं रहेंगे खत्म। नहीं न्यूज पेपर में अगर हम क्या बोलते हैं नहीं बोलना आ रहा यही तो मेरी मेन प्रॉब्लम है, भूल जाती मम्मी पट से। हाँ अरे वो बोलते ना कुछ स्प्रे, नहीं नाम नहीं आ रहा, कभी आएगा नाम तो बताऊंगी गाइस, बस ऐसे बुलाती नैना और नैना बुलाती फिर मेरे को याद नहीं आ रहा नैना मैं क्या बोलने वाली थी। तो न्यूज़पेपर को भी अगर आप हल्का सा गीला करके पोछोगे तो भी साफ हो जाएगा, लेकिन अभी ना फिलहाल मेरा न्यूज़पेपर नहीं है क्योंकि मैं कोई न्यूज़पेपर लगाती नहीं हूँ। आजकल तो हर जगह न्यूज़ मिलता है मोबाइल में और क्या बोलते नेट पे, आप कहीं भी सर्च मार लो टीवी में देख लो जब देखना है, तो इसलिए न्यूज़पेपर कम हो गए हैं, लेकिन लेना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है न्यूज़पेपर कम हो गया। हाँ क्या करें, सबसे ज्यादा बुरा मुझे ये लगता है कि इतना धूल क्यों होता है गाइस, मुझे काम करना कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, गर्मी में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस हाँ हमेशा पोछते रहो, डस्ट साफ करते रहो गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लग रहा है बैठ जाओ काम नहीं करो। आज ना सुबह मतलब मॉर्निंग में कितने 5:30 बजे उठी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, इंस्टा पे थी, देख रही मुझे नींद आ रही थी, फिर नैन्सी को बुलाया तो ट्विंकल को एक्स्ट्रा क्लास भेजा, नैन्सी लेकर गई एक्स्ट्रा क्लास लेकर आई मेरी फिर एक्स्ट्रा क्लास लेके आई, उठा के लाई मतलब उसको लेके आई, धूम 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 से गई। हाँ ये सब हो गया, अब मैं वॉकिंग करूंगी, आप बने रहोगे है ना, बने रहोगे है ना, भगवान चिल करेंगे, हाँ चिल करेंगे। चलो करते हैं फिर से आ गए हैं अपने मोपिंग के साथ, मोपिंग के साथ वो एक पिक्चर देखे थे क्या बहुत पहले ना, मैं देखी थी थिएटर में जाके उर्मिला मातोंडकर गोविंदा का हम आपके हैं कौन, नहीं अभी नाम नहीं मालूम कर।
तो गाइस यहाँ कपड़े उसको इग्नोर करना और ऊपर लेके जाना है। हाँ, सारे कपड़े को फोड़ के ऊपर लेके जाना है। ऊपर मतलब रूम में है, ये ऊपर आसमान पहुँचा रही है। नहीं नहीं रूम में ही मेरा मतलब। ये क्या गिरा है? वो जो एरिया आपका दीदी और ट्विंकल का है, मेरा तो गाइस ये कोना है, ये वाला। मैं अपना मुकुट लगा रही हूँ, आप बने रहोगी बर्बाद हो गया। हम क्या बोले, यहाँ कपड़े फोल्ड करके रखी हूँ गाइस। और थोड़ा नैन्सी जी कहीं जाती है तो मुंह बांध के जाती है, फिर वो तो बांध के जाती नहीं, बहुत कम। हाँ, थोड़ी धूप बहुत हो रही है गाइस, बहुत बहुत हो रही है। किसी ने कमेंट भी किया था, शायद मेरे रील में किया था, पता है? आप क्या थे काम वाली भाई, आप ही नहीं, आप ही करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते? अरे भाई साहब, इंडियन हाउस वाइफ। हाँ तो क्या बोले, काम वाली भाई मतलब देखो हस्बैंड नवाब भी आते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो भी काम वाली भाई के हिसाब से, हम चली गई तो काम वाली भाई उस हिसाब से। बच्चे काम करते हैं, अब मिलजुल के घर में करना चाहिए काम, ऐसा नहीं है, फर्क होता है। अब मैं काम वाली भाई हूँ। यहाँ दो रोटी के टुकड़े रेम्बो ने छोड़ा है और वहाँ एक पीस नैना के लिए छोड़ा है और वहाँ पे कपड़ा रखा है, वो टेबल पोंछ के मम्मी वही भूल गई। ऐसा है, हम अपना घर है तो हमको ही करना चाहिए। अब देखिए लोग रखते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है वो रखते हैं, हेल्पर ऐसा नहीं है, हाउस हेल्पर बोला जाता है। Doesn't make me crazy thinking about you every day. गाइस देखो इसमें दिख नहीं रहा, इसने पूरा गंदा कर दी। पता क्या कि इसने वो पैर पोछने का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पायदान, उससे पोछ के भाग गई वो। ये देखो इतना गलत काम करिए, क्या बोलते, पूरा मेरा पोछा बर्बाद किया उसने। ध्यान ध्यान दो, मैं लगा रही, देखो ये मैं लगा रही हूँ। बाथरूम धो रही हूँ तो बाथरूम दिखाती है तू? नहीं जी। क्या? नो नो नैन्सी, नो नैन्सी मत कर बेटा। देसी धोबी पचार गाइस, धोबी पचार। धोबी पचार है क्या?